कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 74 में बताया गया है मेडिसिन सेल के बारे में। स्टेट कमीशन जो है वो मेडिसिन सेल को एस्टैब्लिश करेगा, जो कि हर स्टेट कमीशन के साथ अटैच किए जाएंगे। वैसे ही स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ भी, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ जो मेडिसिन सेल है उसे भी अटैच करेगा। और वैसे ही नेशनल कमीशन भी इस्टेब्लिश करेगा एक मेडिसिन सेल को, जो कि उसके साथ नेशनल कमीशन के साथ में अटैच किया जाएगा। और अगर नेशनल कमीशन के रीजनल बेंचेस हैं, जो कि रीजनल बेंचेस अगर इस्टेब्लिश किए हैं नेशनल कमीशन ने, उनके साथ भी, नेशनल कमीशन के रीजनल बेंचेस के साथ में भी मेडिसिन सेल को अटैच किया जाएगा। और इस सेक्शन में मेडिसिन सेल की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है हर मेडिसिन सेल में जो इम्पैनल मीडिएटर्स होंगे, और मेडिसिन सेल का काम होगा जो भी उसके पास केस आते हैं उनका जो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करके रखे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं उन्हें मेंटेन करे, और क्वार्टरली जो रिपोर्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेडिसिन सेल है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करे। वैसे ही जो भी स्टेट कमीशन के मेडिसिन सेल्स हैं और नेशनल कमीशन के मेडिसिन सेल्स हैं, वो वैसे रिस्पेक्टिवली वो भी अपने जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो सबमिट करे अपने रिस्पेक्टिव कमीशंस को। तो ये बताया गया है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 74 में।